खालिद हेल्थ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक मलिक है और मैंने अपना MBBS माजी करीबी में जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है और फिलहाल मैं अपनी हाउस जॉब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में सर अंजाम दे रहा हूँ। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर खालिद हेल्थ टीवी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब खालिद हेल्थ टीवी प्लीज़। So today I would like to talk about the coronavirus. Coronavirus जो है वो एक वायरस की लार्ज फैमिली है जिसके अंदर कमोपेश 20 के लगभग जो है ना मुख्तलिफ वायरसेस आ जाते हैं और COVID-19 जो कि आजकल पेंडेमिक है वो कोरोना वायरस के चार सब ग्रुप्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गेमा एंड डेल्टा। और इनमें से इन 20 वायरसेस में से 7 वायरस ऐसे हैं जो इंसान को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी जो इनकी मेजॉरिटी है वो एनिमल वायरस को हम कोरोना वायरस कहते क्यों हैं। कोरोना वायरस का जो शेप है वो क्राउन शेप है और क्राउन को हम लैटिन में कोरोना कहते हैं। वो कैसे, जेनेटिक मटीरियल जो है वो इनक्लोज्ड है एक लिपिड इन्वेलप के साथ और उस इन्वेलप के बाहर प्रोटीन्स जो हैं वो इसका स्पाइक्स की फॉर्म में बनी होती हैं जो अपीयरेंस देती हैं क्राउन की। इस वजह से हम इसे कोरोना वायरस कहते हैं। फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस 1930s में जो है वो चिकन में पाया गया और उसके बाद मुख्तलिफ जानवरों में जो है ये मिलता रहा और 1960s में आके फर्स्ट टाइम इट वाज फाउंड इनटू द ह्यूमन एंड आफ्टर इट वाज कैम इनटू ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ मर्स एंड सार्स एंड नाउ इन COVID-19। सो जो इसकी मेजॉरिटी है कोरोना वायरसेस की वो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। 7 वायरसेस ऐसे हैं कोरोना कैटेगरी के जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा एंड 1 सार्स मर्स एंड 3rd वन COVID-19। 4 मतलब 2 अल्फा, 2 बीटा, 4 और 3 रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर आता है वो है एज। एज इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द कोरोना वायरस बिकॉज 65 प्लस ओल्ड एज पीपल्स आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड सीरियसली विद कोरोना वायरस। प्रिवेंशन ऑफ द वायरस, प्रिवेंशन इस वायरस की क्या है? प्रिवेंशन इज जस्ट टू अवॉइड बींग एक्सपोज टू दिस वायरस। ये वायरस जो है वो पीपल टू पीपल फैलता है, सो यू नीड टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस। फैलता कैसे है? कोई बंदा है वो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, वो खांस रहा है, छींक रहा है आपके सामने विद इन अ रेंज ऑफ 6 feet, यू आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड। यू कैन इनहेल दैट पार्टिकल्स ही इज रिलीजिंग फ्रॉम हिज नोज माउथ व्हाइल इवन टॉकिंग, सो यू नीड टू अवॉइड दैट। अच्छा, हाउ इजीली द वायरस स्प्रेड ? This virus is a contagious. This virus is even more contagious than the influenza. But this is not as efficiently contagious than the measles. Measles is more contagious than this virus. Majority of the cases it is asymptomatic. मतलब कोई symptoms नहीं कराता, पर जिनमें ये symptoms करा रहा होता है तो वहाँ पर हमें मिलता है fever, cough, sore throat, मसल पेन, हेडेक जैसी सिम्टम्स हमें मिल रही होती हैं। इसके अलावा जो है हमें सोर थ्रोट मिल सकता है और न्यू लॉस ऑफ स्मेल मिल सकता है और इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम्स हैं इसकी। एंड स्टिल द साइंटिस्ट, द डॉक्टर्स आर वर्किंग ऑन दिस एंड वी डोंट नो मच अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ अ न्यू नाउ, आफ्टर सम टाइम वी विल बी नोइंग अबाउट। अलावा ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को छुएं जिसके ऊपर जो है वो जो कि कॉन्टेमिनेटेड हो इस वायरस से और फिर वो आप वायरस अपने हैंड्स पर ले लें और फिर आप अपने मुंह, आंख, नाक को टच करें और वहाँ से जो है आप इनहेल कर लें या फिर आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले उसको। तो जिस तरीके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ CDC इन अमेरिका, एवरी 8 पीपल आउट ऑफ 10 डाइंग ड्यू टू कोरोना आर 65 प्लस इन एज।
मोर्टिलिटी रेट इस वक्त हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर अथेंटिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि स्टिल दिस पेंडेमिक इज गोइंग ऑन। तो ये तो फाइनल रिपोर्ट्स हैं, बाद में ही बनेंगी। बट अकॉर्डिंग टू द चाइना, व्हाट द चाइना हैज़ शोन, जो रिपोर्ट है वो ये है कि भाई जो 0 to 9 ईयर्स ऑफ द चिल्ड्रेन जीरो डेथ, 10 to 19 ईयर ओल्ड 0.2%, 20 to 39 ईयर ओल्ड 0.2%, 40 to 49 ईयर ओल्ड 0.4%, एंड 50 to 59 1.3%, 60 to 69 3.6%, 17 to 79 80%, and above 80 it is 14.8%. this is according to the Chinese health department. aur dusra, wash your hands frequently. jab aap kisi aisi cheez ko touch karte hain aapko mehsoos hota hai ki contaminated hone ke chances hain, jaisa ki locker ho gaya, door knobs ho gaye, ya fir jo hai na keys ho gayi hamari, ya fir hospitals, banks wagaira ke darwaze जिसको हम टच करते रहते हैं ऐसे, तो इन चीज़ों को जब भी आप टच करें तो आप जो है ना अपने हाथ को आते ही अपने हाथों को जो है साबुन और पानी के साथ धोएं। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और उस सैनिटाइज़र में 65% एटलीस्ट अल्कोहल होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आप गुरेज करें अपने हाथों को, अपने आँख मुँह नाक पर बार बार लगाने से। और इसके अलावा जो है अपने ऑल एजेस विद अंडरलाइंग अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडीशंस, जैसे क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो कोई, मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा, सीरियस हार्ट डिजीज़ हो कोई, इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जैसे कि लंग कैंसर ट्रीटमेंट पर हो, या फिर स्मोकिंग करते हो, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हो, मतलब आर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स आल्सो, एचआईवी एड्स, पीपल विद सीवियर ओबेसिटी आर आल्सो प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड सीरियसली विद कोरोना वायरस, दोज हु हैविंग BMI more than 40. Diabetes is also a risk factor for the coronavirus. Chronic kidney disease, undergoing dialysis while patients, they are also prone to get infected seriously with coronavirus. CLD is also a risk factor for the coronavirus. Diagnosis is by PCR, polymerase chain reaction test, which identifies the genetic fingerprints of this virus. Treatment, no treatment available yet. No vaccine available yet. The treatment and the vaccine are under development. Inshallah, we will get soon. Treatment is just supportive. Jis tarah ke symptoms ho rahe hain.